इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने इंस्टाग्राम में अगर प्रोफाइल में जाते हैं और हमारा बिजनेस या प्रोफेशनल अकाउंट होता है तो यहाँ पर एक डेस्कटॉप साइट का सा ऑप्शन हमें शो कराता है। ये यहाँ पर लिखा रहता है अकाउंट रीच इन लास्ट 30 डे। तो इसका मतलब क्या रहता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जो प्रोफेशनल अकाउंट आप बनाते हैं तो ये एक एनालिटिक्स होता है। जैसे मैं इसको खोलता हूँ तो यहाँ पर ये पूरा एनालिटिक्स दिखा देता है कि आपका जो इनसाइड है वो क्या है। अब जो हमारे हमारे जो अकाउंट है वो चार अकाउंट ने रीच किया है। जैसे इसको खोलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर ये दिखा देगा, ठीक है। अभी फॉलोवर्स, नॉन फॉलोवर्स, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर ये दिखा देगा, ठीक है। चाहे आप यहाँ से 30 दिन से ज़्यादा की भी देख सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट मंथ भी देख सकते हैं, लास्ट जो है यहाँ पर 90 दिन का भी देख सकते हैं, ठीक है। जो देखना चाहे वो यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि आपकी ऑडियंस कितनी अवेलेबल हो रही है, आपके अकाउंट पर कितनी रीच मिल रही है। तो इस तरीके से तो ये चीज़ें हो जाती हैं और इसका मतलब सिर्फ इतना ही रहता है बस ये। तो अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।